अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कैसे मीडिया सिलेक्टिव रहती है इसे भी समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को लगता है कि इत्तेहाद न्यूज़ एक तरफा खबरों को चलाता है, लेकिन सवाल उस वक्त क्यों नहीं उठाए जाते जब अक्सरियत समाज का कोई जुर्म में पकड़ा जाता है तो उसकी दिशा को मोड़ने का काम भी किया जाता है। खैर, आज बात खानापुर की करते हैं, जहाँ एक खेत में बम धमाका होने से दो किसान शदीद जख्मी हुए। आपको ये सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा कि इस खबर को दिगर मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, लिहाजा मामला इसी तरह से होता है। उम्मीद है कि इंतजामिया इस बम धमाकों की तह तक पहुंचकर इसके पीछे क्या वजह थी और इतने बड़े पैमाने पर बम क्यों रखे गए थे। अगर ये देसी बम है तो किसने और क्यों बनवाए, क्या वाकई ये बम शिकार के लिए ही रखे गए थे वगैरह, कई सवालों के जवाब पुलिस तलाश रही है। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलगाम शहर से महज कुछ ही किलोमीटर दूर खानापुर तालुका के वड्डे बैल में दो किसान खेत में काम कर रहे थे। लिहाजा जिस तरह पुलिस को इन किसानों ने जानकारी दी, बताया गया कि जब घास काट रहे थे तो जमीन में दफन देसी बम फट गए, जिसमें सूर्या जी के हाथ के उंगलियां और अंगूठा पूरी तरह से निकल गए। यहां तक बम के कीले और लोहे के टुकड़े जो उसमें रखे हुए थे जिस्म में पैवस्त हो गए। जबरदस्त धमाके की आवाज हुई। एक और किसान जिसका नाम संदीप है, ये भी जख्मी हुआ। अब दोनों बेलगाम शहर के एक निजी अस्पताल में जेर इलाज होने की बात कही जा रही है। एक और इत्तला के मुताबिक 25 और जिंदा बम यहां पर बरामद किए जाने की बात कही जा रही है। अब कुछ सवाल यहां पर पूछना लाजिम हो जाता है। इस खबर को आखिर क्यों दबाने की कोशिश की गई और दिगर मीडिया ने इसे क्यों नहीं बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, एक अलग बात है। अब जब इतने बड़े पैमाने पर बम बरामद हुए, यानी कि तकरीबन 25 बम बरामद होने की बात कही जा रही है, और जिसके खेत में मिले हैं, अब वो खुद इसका लाइलमी का इजहार करते हुए शिकार के लिए रखे जाने की बात कही जा रही है। अगर इस तरह के बम किसी अकलियती समाज वालों के घरों में या इसी तरह किसी के खेत में मिल जाते तो इसके कहां कहां इसके तार जोड़ दिए जाते, लिहाजा इसकी तहकीक हो और इसकी असल वजह सामने आना इंतहाई जरूरी है। अब खानापुर की अपनी पुरानी तारीख रही है। गौर लंकेश कत्ल मामले में खानापुर हमेशा सुर्खियों में रहा। गौर लंकेश कत्ल की तरबियत यानी कि ट्रेनिंग कैंप इसी खानापुर के चिकले के फार्म हाउस में हुई थी और चिकले में कैंप का एहतमाम भी फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से रखा गया था। ये बम किसी अनहोनी के लिए छिपाए तो नहीं गए थे, इस तरह का शक भी जाहिर हो रहा है। एक और मामला खानापुर तालुका के माचीगढ़ में 25 नवंबर 2020 को पेश आया था। मोटरसाइकिल सवार गिरीश नामी शख्स जो शिमोगा का रहने वाला था, इसी तरह जिलेटिन के धमाकों में इसकी मौत हो गई थी और शिव कुमार नाम का एक शख्स और अफराद जख्मी भी हुआ था। अगर मान भी लिया जाए कि जंगली जानवरों के लिए जिलेटिन या देसी बम रखे जाते हैं तो क्या हुकूमत या फॉरेस्ट महकमा इसकी इजाजत देता है या ये लोग इसकी इजाजत ले चुके हैं। खानापुर अक्सर मजहबी तशद्दुद में सर फहरिस्त रहता है, लिहाजा इसे महज एक मामूली वारदात समझकर नजरअंदाज करने की बजाय जो भी इस मामले में मुलव्विस है इन पर कार्रवाई की जाए और जख्मियों की गहरी तफ्तीश की जाए, क्योंकि कोई और आकर दूसरे की जमीन में क्यों बम दफन करता है। अगर यहाँ जानवरों के लिए देसी बम या जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता रहा है तो हुकूमतों से कितनी छूट इन्हें दी गई है, इसका भी हिसाब किया जाए। लिहाजा बम धमाके और फिर 25 बमों का बरामद होना शक जरूर पैदा करता है। इतना तो जरूर है कि अगर किसी अकलौती समाज के खेत खलियान में इस तरह धमाके और बम बरामद होते तो शायद अब तक अलकायदा से तार जरूर जोड़ दिए जाते और मीडिया में इसकी चर्चा भी महीनों तक जारी रहती, ऐसी बहस भी अवाम में करते हुए देखा जा रहा है। आज रामदूर तालुका मुदनूर में ड्रेनेज का पानी नल के पानी से मिल जाने से एक की मौत और 90 अफराद अस्पताल में दाखिल किए गए, जिसमें 20 बच्चे होने की बात भी कही जा रही है। इस तरह के मुताबिक सेवेज का पानी नल के पानी में दाखिल हुआ, जिसे पीने के बाद दस्त, जुलाब और उल्टियां होना शुरू, जिसमें शिवापा बेलेरी की मौत हो गई और 100 के करीब मर्द खवातीन अस्पताल पहुंच गए। इस हादसे के बाद सेहत महकमा ने अस्पताल पहुंचकर जायजा लिया। Thank you.
बेलगाम के नजदीक अलतगा खड़ी मशीन क्वारी में डूबकर मरने वाले सतीश की लाश बरामद हुई। इत्तला के मुताबिक तीन दोस्त नशे में धुत होकर पार्टी कर रहे थे, लिहाजा सतीश भी नशे में पानी में उतर गया, इसी लिहाजा इसकी मौत हो गई। आज इसकी लाश बरामद की। आखिर में बेलगाम हाईवे पर शराब पीकर बोतलों को सड़कों पर कुछ शरपसंद फेंकते हुए देखा जा रहा है। फ्रूट मार्केट से लेकर इंडाल के नजदीक तक सड़क के दोनों तरफ शराब की खाली बोतलें पाई जाती रही है। अक्सर लोग खुलेआम यहां शराब नोशी करते हुए भी देखे जाते हैं, लिहाजा सड़कों पर अब बोतलों को फेंकने तक नौबत पहुंच चुकी है। आवाम की जानिब से मांग की जा रही है कि इन शरपसंद अनासिर पर फौरन कार्रवाई की जाए, वरना कांच की बोतलों से हादसे होने के इम्कान ज्यादा है, ऐसा भी कहा जा रहा है। आज कार्ति वेश चांदुगली में क्रेडेंस वेडिंग नाम से मैरिज ब्यूरो का इफ्तताही इजलास अमल में आया। आज मौलाना साजिद के हाथों इस दफ्तर की इफ्तता हुई। इस वक्त अब्दुल तवाब शेख भी मौजूद थे, दिगर मेहमानान में अब्दुल रऊफ बागेवाड़ी भी शरीक रहे। बेलगाम में मुस्लिम मैरिज ब्यूरो की कमी थी, लिहाजा घरों खानदानों को जोड़ने का दफ्तर होने से रिश्तों को जोड़ने में आसानी होगी, ऐसा मौलाना साजिद ने कहा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कि जिस दफ्तर का नाम है क्रेडेंस वेडिंग, रिश्तों को जोड़ने के लिए ये ऑफिस, ये दफ्तर खोला जा रहा है। मुस्लिम समाज के सामने बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल में एक मसला बड़ा अहम रिश्तों के जोड़ने का भी है। वक्त पर रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से सरपरस्त और वालिदैन भी परेशान हैं, और बच्चे और बच्चियों के वक्त पर निकाह न होने की वजह से मुख्तलिफ के आज ये कार्तिवेश रोड पर ये दफ्तर का इफ्तिताह हो रहा है। शरी हुदूद के अंदर रहते हुए इस दफ्तर के ज़िम्मेदारों से हमारी गुजारिश भी है कि वो काम को आगे लेकर चलें। जो कानूनी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो तकरीबन इन्होंने पूरी मुकम्मल कर ली हैं। यहाँ धोखा दही और धोखा खाना और धोखा देना, शायद अल्लाह की ज़ात से हमें उम्मीद है कि ये यहाँ पर नहीं होगा। ताहम इनकी भी ज़िम्मेदारी है और हमारी भी ज़िम्मेदारी है, सारे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इस काम को शरी हदूद में रहते हुए हम तकमील तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें। अल्लाह, आज यहाँ पे मैरिज ब्यूरो क्रेडेंस वेडिंग की इफ्तिताह है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि रिश्तों को जोड़ना, तो ख़ानदानों को आपस में मिलाना बहुत ही अच्छा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी बच्चों का आप रिश्ता करना चाहते हैं तो इस मैरिज ब्यूरो से आप रब्ता कर सकते हैं। क्रेडेंस वेडिंग मैरिज ब्यूरो जो हमारे मुस्लिम बहनों की और भाइयों का जो रिश्ता जोड़ते हैं वो ऑफिस है। और जो सख्त ज़रूरत है हमारे बेलगाम में या हमारे कौम में, क्योंकि आज हमारे नौजवान भाइयों की और नौजवान बहनों के जो रिश्ते नहीं हो रहे,
एक बहुत बड़ी कमी हमारे अंदर है कि रिश्ते जोड़ने के लिए जो लोग आते हैं या तो गलत तरीके से आते हैं या तो गलत मकसद लेके आते हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए आज हमारे भाई ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और इनका टाइमिंग भी बहुत अच्छा रखा है इन्होंने कि 3 बजे से 6 बजे तक ऑफिस का टाइम भी रखे हैं कि फारी वक्त निकाल कर यहाँ पर आकर विजिट देंगे। हर एक क्लास का आदमी यहाँ पर पहुँच सकता है, जैसा कि हाई प्रोफाइल वाले भी पहुँच सकते हैं, मिडिल क्लास वाले भी पहुँच सकते हैं, ऑटो रिक्शा चलाने वाले भी, SLC पास, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड और डिग्री ग्रेजुएट, ऐसे कोई भी अगर साथियों को या बहनों को निक्के की ज़रूरत है तो यहाँ पे अपना बायोडाटा लेकर इनसे रब्ता करेंगे। यहाँ पे जो एड्रेस बताया गया हमारे भाई का, आज वो ऑफिस में आज वो मौजूद नहीं है बल्कि कोई काम की वजह से वो